उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को जयपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जोगनेर से श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के 11वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से भी संवाद किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्वविद्यालय नवीन वेबसाइट का विमोचन किया। अपने संबोधन में धनखड़ ने कहा कि मुझे कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी देखकर काफी हर्ष हो रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह को कहा कि महाविद्यालय के 10 छात्रों एवं 10 छात्राओं को दिल्ली भेजें, जो भारत में हो रहे बदलाव को दिल्ली में देख पाएंगे। ये सभी छात्र मेरे अतिथि रहेंगे। सभी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर भारतीय अपनी प्रतिभा दिखाए और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त और 2047 तक विश्व महाशक्ति बनाने में साथ दे तथा किसानों को संपन्न बनाने व महिला सशक्तिकरण में अपनी भागीदारी निभाए। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति बलराज सिंह ने कहा, अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का साफा बांधकर माल्यार्पण करके तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद विश्वविद्यालय का कुल गीत सुनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय जौ, गेहूं, दलहन, मसाला फसलों के अनुसंधान में अग्रणी है एवं नित नए अनुसंधान कर रहा है। कार्यक्रम में कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन सिंह, प्रोफेसर संग्राम सिंह सहित अन्य गणमान्यों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की।